दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में मशीन का इस्तेमाल एक आम बात है, क्योंकि ये मशीन्स भी दिन ब दिन एडवांस बनती जा रही है, जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ों को बड़ी ही आसानी से बना लेती है, जिनमें से कुछ प्रोसेसेस देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेटिस्फाइंग होती है। आज हम आपको ऐसे ही मशीन्स और प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें शायद ही आपने इससे पहले कभी देखा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, हमने इस वीडियो को काफ़ी मेहनत करके बनाया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। क्रिकेट बैट मेकिंग। क्रिकेट खेलना किसे पसंद नहीं, बच्चों से लेकर बड़ों तक क्रिकेट एक मशहूर खेल बन चुका है। शायद आप भी इसे खेलना पसंद करते होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है बैट और बॉल की। आज हम देखेंगे कि क्रिकेट बैट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने की शुरुआत होती है पेड़ों से, जहाँ बड़ी लकड़ी को दो हिस्सों में काट दिया जाता है। बाद में उन्हें छोटे छोटे ब्रैकेट्स के आकार में कट किया जाता है, और यह सब हो जाने के बाद सारे कट किए हुए ब्रैकेट्स को करीब 6 महीनों तक सूखने के लिए रखा जाता है। 6 महीने बाद बैट बनाने का काम फिर से शुरू हो जाता है, जहां एक कर्मचारी ब्रैकेट्स के बैट को प्रॉपर साइज में कट करने का काम करता है, और आगे उन्हें दूसरे कर्मचारी के पास भेजता है, जहां बैट पर वी शेप का कट लगाया जाता है, जिसमें हैंडल लगाया जा सके। वही दूसरी ओर हैंडल बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। हैंडल बनाने के दो टाइप्स होते हैं। पहले टाइप में लकड़ी को ग्लू से चिपकाकर उन्हें हैंडल का आकार दिया जाता है, और टाइप टू में हैंडल बनाने के लिए सिंगल लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिसे शेप देकर हैंडल तैयार किया जाता है। उसके बाद एक कर्मचारी हैंडल पर ग्लू लगाकर उसे आग में गर्म करता है और बैट में अच्छे से फिक्स करता है। ग्लू गर्म होने के कारण हैंडल बैट से तुरंत फिट हो जाता है, जिसे सुखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आगे एक कटिंग मशीन की मदद से बैट को डिजाइन किया जाता है, जहां उसकी एजेस को हटाया जाता है। बाद में उनकी प्लेनिंग की जाती है, जिससे कि बैट पूरे तरीके से प्लेन हो जाता है। प्लेनिंग के बाद बैट को डिजाइनिंग के लिए भेजते हैं, और डिजाइनिंग के बाद उनको फिनिशिंग दी जाती है। उसके बाद हैंडल पर थ्रेड लगाते हैं और बैट की पॉलिशिंग करते हैं, जिससे बैट को शाइन मिलती है। बाद में उन्हें ब्रांडिंग के लिए भेजा जाता है, जहां उन पर स्टिकर्स लगाए जाते हैं और हैंडल पर रबर लगाया जाता है, जिससे बैट की पकड़ मजबूत हो जाती है। और आखिर में उन्हें गर्म भट्टी में डालकर प्लास्टिक से रैप करते हैं, और बैट मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मैचेस मेकिंग। मैचेस एक ऐसी चीज है जिसे हम डेली लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इमरजेंसी में कहीं आग की जरूरत पड़ती है, तो माचिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज भले ही दिखने में छोटी हो, लेकिन बहुत ही काम की होती है। इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, ये हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग मशीन में जिलेटिन कैप्सूल्स को डाला जाता है, फिर वर्कर उसमें गर्म पानी ऐड करता है। थोड़ी देर मिक्स हो जाने के बाद उसमें पोटेशियम पाउडर को भी डालते हैं, उसके बाद उसमें सिलिका ग्रैन्यूल्स को ऐड करते हैं, फिर उसमें पानी मिलाया जाता है। आगे उन्हें 40 मिनट्स तक मिक्स किया जाता है। 40 मिनट्स बाद जब डाले गए इंग्रेडिएंट्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब वर्कर उसमें रेड कलर ऐड करता है। वही दूसरी ओर स्प्लिंट्स पहले से ही बनाई हुई होती है, जिन्हें आगे एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं, फिर उन्हें आगे दूसरी मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहां उन्हें ऑटोमेटिकली सॉकेट्स में अटैच किया जाता है। फिर उन्हें बनाए गए लिक्विड मिक्सचर में डिप करते हैं। डिप हो जाने के बाद करीब 2 घंटों तक कन्वेयर बेल्ट पर ठंडा होने के लिए उन्हें रखा जाता है। ठंडा होने के बाद उन्हें बॉक्स पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है,
जहां मशीन से बॉक्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जिन्हें आगे भेजते हैं और मशीन बॉक्स में मैचेस भरने का काम करती है। भरे हुए बॉक्सेस को आगे भेजते हैं, जहां मशीन की मदद से दोनों बॉक्स को मिलाकर पैक किया जाता है और इस तरह मैचेस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। जीन्स मेकिंग। आजकल जीन्स पहनना सभी पसंद करते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक जीन्स पहनना एक फैशन बन चुका है। मार्केट में बहुत अलग अलग डिजाइन के जीन्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें फैक्ट्री में किस तरह बनाते हैं वो शायद आप जानते ही नहीं होंगे। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक कर्मचारी जीन्स के फैब्रिक को कट करने का काम करता है और कट किए गए फैब्रिक को ऑटोमेटेड कट मशीन पर रखते हैं, जहां फैब्रिक को ऑटोमेटिक कट करके उससे जीन्स की पैंट के शेप्स बनाए जाते हैं। कट किए हुए शेप्स को दूसरे कर्मचारी के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें स्टिच किया जाता है। स्टिचिंग के बाद जीन्स को लेजर मशीन में भेजते हैं, जहां उन पर लेजर की मदद से डिजाइन निकाली जाती है। लेजर से जीन्स पर डिजाइन निकालने का काम बहुत ही कम समय में हो जाता है। उसके बाद उन्हें वॉशिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां उन्हें अच्छी तरह से धोते हैं। वॉशिंग हो जाने के बाद उन पर बटन अटैच किए जाते हैं और वही लेबल भी लगाते हैं। और आखिर में एक कर्मचारी जीन्स की साइज चेक करती है। सब कुछ ठीक होने के बाद उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं और जीन्स मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाती है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग। एप्पल आईफोन एक ऐसा फ़ोन है जिसे हर कोई अपने लाइफ में इस्तेमाल करना ज़रूर चाहता है। ये फ़ोन बड़े ही पॉपुलर और एक्सपेंसिव सेल फोन्स में से एक है। आपने इसे बहुत से लोगों के पास ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन महंगे फ़ोन्स को आखिर किस तरह से बनाया जाता होगा? इसकी शुरुआत होती है प्रिलिमिनरी मोल्ड बनाने से। इन मोल्ड्स को बनाने के बाद उसमें लगने वाले कंपोनेंट्स को बनाते हैं या फिर किसी और जगह से इंपोर्ट करते हैं। जब सारे पार्ट्स फैक्ट्री में आते हैं तब असेंबली की शुरुआत होती है, जहां कुछ कर्मचारी अपने हाथों से कंपोनेंट्स को सॉकेट्स में अटैच करते हैं या फिर ऑटोमेटिकली मशीन से किए जाते हैं, जिसमें एप्पल के चिप्स, प्रोसेसर्स, कैमरा, माइक, इनबिल्ट बैटरी वगैरह जैसे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। इन सारे पार्ट्स को असेंबल करने के बाद स्क्रीन की असेंबली की जाती है, जिसमें सबसे पहले स्क्रीन पर यूज होने वाली ग्लास की जांच की जाती है। फिर उन ग्लास को आगे ले जाया जाता है, जहां उन पर ऑटोमेटेड मशीन की मदद से आईफोन की डिस्प्ले स्क्रीन अटैच की जाती है। उसके बाद कुछ कर्मचारियों की मदद से उन पर ACF ग्लू लगाते हैं, जिससे कि हीट कंट्रोल में रहती है। उसके बाद स्क्रीन टेस्टिंग की जाती है, आगे उसके बेजल्स असेंबल किए जाते हैं। बेजल्स लगने के बाद फिर से एक बार स्क्रीन को चेक करके स्टैंप लगाते हैं। इस तरह स्क्रीन फोन में लगने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद उसे फोन पर लगाया जाता है। सारे पार्ट्स की असेंबली कंप्लीट हो जाने के बाद आईफोन को टेस्ट किया जाता है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ, बैटरी, डिस्प्ले स्क्रीन और पोर्ट्स चेक किए जाते हैं। टेस्ट प्रोसेस में फोन के सेफ्टी मेजर्स को चेक करने के लिए हीटिंग और कूलिंग मशीन में भी रखा जाता है। और पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आईफोन बनकर तैयार हो जाते हैं और फिर लास्ट में इन्हें बॉक्स में पैक करके मार्केट में लाया जाता है। विग मेकिंग। विग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जिनके सर पर बाल नहीं होते या फिर बहुत कम बाल होते हैं, खासकर उनके लिए विग्स बनाए जाते हैं, जो कि दिखने में असली बालों से कम नहीं होते। विग को नेचुरल, सिंथेटिक दोनों तरह के बालों से बनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नेचुरल बालों से इन्हें बनाया जाता है। जो लोग अपने बाल डोनेट करते हैं, उनके बालों की मदद से ही इन नेचुरल विग की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सबसे पहले डोनेट किए हुए बालों को फैक्ट्री में लाया जाता है, जिससे ब्राउन, ब्लैक, रेड जैसे बालों के कलर मौजूद होते हैं। उन्हें अलग अलग किया जाता है, जहां कुछ कर्मचारी बालों की जांच करते हैं। उनमें से जो बाल कुछ ज़्यादा ही डैमेज है, उन्हें साइड किया जाता है, और जो शाइनी और स्मूथ होते हैं, उन्हें इस नुकीली चीज पर घुमाकर खुला किया जाता है। उसके बाद उन्हें वॉशिंग के लिए भेजते हैं। वॉश हो जाने के बाद एक कर्मचारी अपने हाथों से उन्हें विग पर स्टिच करने का काम करती है, जिसे करने में करीब 10 घंटे लग जाते हैं। स्टिचिंग के बाद उन्हें स्टाइल दिया जाता है और स्ट्रेट या फिर कर्ल करना वगैरह, ये सब हो जाने के बाद उनकी पैकेजिंग होती है और कस्टमर्स के लिए ये पूरी तरह से फिर तैयार हो जाते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।